इट्स रेसलिंग टाइम। हेलो गाइज, माय नेम इज पूनम चंद एंड यू वॉचिंग रेसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं एनएक्सटी के पांच ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो कि रॉयल रोमल में अपनी चौंकाने वाली एंट्री कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ब्रोसन रीड ने हाल ही में एनएक्सटी में वापसी करते हुए एसांते एडोनिस को बहुत बुरी तरह से मारा था। ब्रोसन रीड काफी समय से एनएक्सटी का हिस्सा बने हुए हैं, ऐसे में या तो ब्रूसन रीड को एनएक्सटी में पुश देना चाहिए या फिर उन्हें मेन रोस्टर में डेब्यू कराना चाहिए। मेन रोस्टर में डेब्यू कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें मेंस रॉयल रोमल में डाल दें। ऐसे में ब्रूसन रीड अपने टैलेंट से सभी फैंस को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर चार पर है वेल्टन ड्रीम। वेल्टन ड्रीम के लिए 2020 अजीब रहा है। वेल्टन ड्रीम में टाइटल पिक्चर में आए, फिर वो टेलीविजन से गायब और फिर उन्होंने वापसी की और फिर वो बीच बीच में ब्रेक लेने लगे। वेल्टन ड्रीम रॉयल रोमल में आना डिजर्व करते हैं। वैसे भी वेल्टन ड्रीम के कई एनएक्सटी के साथी भी रॉयल रोमल में नजर आ चुके हैं। नंबर तीन पर है कुशीडा। कुशीडा एनएक्सटी के सिंस के नाकामुरा है। उन्हें रेसलिंग का इतना अनुभव है कि जब वो यूनाइटेड स्टेट में आए थे तो वो रेसलिंग करने के लिए तैयार थे। कुशीडा के मेन रेस्टर में डेब्यू के लिए रॉयल रोमल सबसे बेहतर जगह है क्योंकि वहाँ वो अपने टैलेंट से फैंस को खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नंबर दो पर डेमियन प्रिस्ट। डेमियन प्रिस्ट ने अपने करियर की शुरुआत हिल्टन से की थी और इस साल की शुरुआत में उन्होंने फेस्ट टर्न ले लिया। डेमियन प्रिस्ट ने एनएक्सटी टेकओवर 30 में नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन गए। डेमियन प्रिस्ट की रेसलिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो 2021 के रॉयल रोमल में एंट्री लेने के लिए तैयार है। नंबर एक पर है जॉनी गार्गानो। पिछले कुछ सालों में एडम कोल की तरह जॉनी गार्गानो भी बहुत फेमस सुपरस्टार बन गए हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान एनएक्सटी के हर एक टाइटल को जीत लिया है। अब उनके लिए एनएक्सटी में कुछ करने को नहीं रहा है। जॉनी गार्गानो 2019 के रॉयल रोमल में एंट्री ले चुके हैं, ऐसे में उम्मीद है कि वो 2021 के रॉयल रोमल में भी एंट्री और लास्ट तक रहकर किसी एक चैंपियन को चैलेंज करेंगे। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।